पर किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। हजारों किसान 26 नवंबर से सिंघू बॉर्डर पर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसान भारी ठंड के बीच अपनी मांग पर अड़े हैं। हमारे संवाददाता सब्यसाची ने इस मौके पर जायजा लिया, क्या कुछ खास वहां पर रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति पंजाब के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर ये बताइए कि कल बड़ा अहम दिन है, किसान और किसान संगठन और जो भारतीय सरकार है वो एक साथ बातें करने वाली है, क्या आपको उम्मीद है कि कल इसका कुछ हल निकलेगा? हम गुरदास सिंह धालीवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति पंजाब, जो 29 तारीख को मीटिंग होने जाने वाली है, हम आस रखते हैं क्योंकि किसान ठंड में पाले में मर रहे हैं, साढ़े 36 किसान और मातावां शहीद हो चुके हैं, इसलिए असं आस रखते हैं कि इस कोई हल निकले, पर मैं लगता नहीं ये भी मोदी साहब हल कड़ूगा क्योंकि वो ये कह रहा भी तू मैं सुझा सुधार करवा लो, पर नहीं, जिहड़ियां साडियां जथेबंदियां वो इसनों रद्द करवाना चाहुंदियां, जिहड़ा एक पराली वाला बिल आ उसनों भी असं रद्द करवाना चाहुंदे हां, इसलिए असं एक भी मांग करते हैं भी असं मंग ही की रहे हैं सरकार को, असं तो यही मांग कर रहे हैं ना भी जोड़ा एम एस पी आ उसनों कानूनी दायरे में लिया जाए, जो भी एम एस पी से कम किसान की फसल खरीदेगा उसे 420 का पर्चा कटा जाए और जो किसान को काटा पड़ेगा वो सरकार बोनस दे, ये यही तो अभी मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। एम एस पी तो पहले भी था, वो कहते रहेगा सी रहेगा नहीं, कहना सी कहना होना चाहिए, होना चाहिए उसे भी होना चाहिए, उसे कानून बने, उसे कानूनी दायरे में लिया जाए, और उसी सरकार को क्या मांग रहे हैं, असं तो आपसे हक मांग रहे हैं, और जो हमने कुछ चीज मांग ही नहीं रहा, मैं तुमसे कुछ चीज मांग ही नहीं, तुम मैं क्यों दे रहे हो, हम तो उसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांग रहे हैं, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, वो बोलते हैं कि जे एम एस पी रहूगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जे किसान के कारण ही महंगाई बढ़ती है, जे एम एल ए के जो तनख्वाह बढ़ती हैं और उनकी किसान को तो एक पेंशन नहीं मिलती, बुढ़ापा पेंशन वो तीन तीन चार चार पेंशन ले रहे हैं, जे भी आपके जे उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ती, किसान के कैसे महंगाई। सर ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको उम्मीद है कि कल बातचीत से कोई हल निकलने वाला है सरकार और किसान संगठनों के बीच? देखो सर ये तो मोदी साहब बताएंगे कि उसमें ढीठ पुना कितना है, कितनी देर तक वो हमको यहाँ ठंड में बिठाएंगे, हमको मच्छर भी काट रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब बैठे हैं, ये उनके पर डिपेंड करता, हमारे ऊपर नहीं करता, जितनी देर मोदी साहब मानेंगे नहीं हम जहाँ से हिलेंगे नहीं, हम जहाँ बैठे रहेंगे टिके रहेंगे, हम कानून रद्द करा के ही जाएंगे, हमको जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े हम देने को तैयार हैं, अगर नहीं मानेंगे तो जितनी देर मोदी जी की सरकार रहेगी उतनी देर हम जहां से हिलेंगे नहीं। सर ये बताइए आज 33वां दिन है जहां पे प्रदर्शन चल रहा है, आप कितने दिन से प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं? आप जानते हो होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है, आप जानते कि नहीं इस चीज को मानते हो, वही होता है ना, तो आगे भी जो वो चाहता वही होना है ना, अभी मोदी कानून रद्द कर देना तो सख्त तो अभी चले जाएगी, किसी को कुछ कहने की बात नहीं है, है ना, तो सबसे बड़ी बात एक है कि आप सोचो आप मीडिया वाले हो ना, आपको हमसे तो ज्यादा पता, हम तो पागल से आदमी है, खेतों में काम करने वाले ही है, और हमारी दुश्मनी ना तो आपसे ही है, ना किसी हिंदुस्तानी जी है, ना अडवाणी से, ना मोदी से है, है ना, मोदी ने एक काम हमारे लिए बढ़िया कर दिया, क्या के पूरा भारत को इकट्ठा कर दिया, ते आप ये भी जानते हो ना, है ना, हमारा जो मीडिया आप भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हम तुम्हारे बड़े भाई, इसी तरह हरियाणा पंजाब जो भी भारत के लोग हैं, भाई हम मेरे को तो 50 साल बाद मैंने सर्विस की है पूरे इंडिया में घूम घूम के, कोई भी भाई से नीचे हमको नहीं मानता है, तो हम उनको कैसे ना भाई माने भाई। तो ये थे किसान संगठन जो हमसे बात किया और इनका साफ तौर से कहना है कि कल अहम बैठक है, उनको हालांकि उम्मीद है अगर सरकार उनकी मांगे पूरा कर देती है तो प्रदर्शन तभी खत्म हो जाएगा, अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो प्रदर्शन आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा।